सखी सैया तो बहुत ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है का। अरे आज हम आए गए हैं और आज इमरती देवी अकेली नहीं आई है, साथ में ले आए हैं हमारे फेवरेट रघुबीर यादव जी को। कहे कहीं से तो ये गाने गा रहे थे, तो आओ मिलवाते हैं का। ना 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 ना, हम उनके घर नहीं गए ना वो हमारे घर आए हैं, काहे कि लॉकडाउन चल रहा है ना। सो आओ आओ स्काइप पे मिलवाते, आ जाओ। वाह वाह क्या बात। सर बहुत बहुत नमस्कार आपका। जी 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 नमस्ते 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 जी। जी सर, इमरती देवी आज बाकायदा बहुत खुश हैं, ऐसे लॉकडाउन में ऐसी खुशी मिल गई है कि क्या बताएं। अजी हम भी बहुत खुश हैं, हम भी बहुत खुश हैं जी। सर बस हम तो बहुत देर से ट्राई कर रहे थे, बहुत दिनों से कि आप बात हो जाए बात हो जाए। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप भी मध्य प्रदेश से हैं और कहा है कि हम भी चंबल से आते हैं। अच्छा चंबल तो बड़ी खतरनाक सी जगह है। हाँ डाकू वाकू है लेकिन अभी मतलब हम डाकुओं की ऐसे ही अच्छे इंसान है, डाकुओं की डाकू भी अच्छे ही लोग हैं। अब हम ही वहाँ के सबसे बड़े डाकू है गए हैं। हाँ जी सही कह रहे हैं। इसीलिए तो रघुबीर जी सबसे पहले ये बताइए कि कैसे कट रहा हुआ है लॉकडाउन। अरे बहुत अच्छा कट रहा हुआ है, अकेले रहोगे एक तो मौका मिलो, घर में काम करवे को मौका मिलो, अब खाना भी हम ही बनाते हैं, पानी भी हम ही भरते हैं, कुआं तो नहीं है तो बस नल बस खोल दो और बस वो भी करते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं पोछा भी लगाते हैं और बहुत मजा आता है। ये बहुत दिनों से ना करो तो भैया हमने तो इसकी वजह से बहुत मजा आ रहा हूँ मैं तो ऐसे लग रहा है। हाँ ये अब अपने अंदर टटोलवे को बहुत दिनों बाद मौका मिलो है। मतलब हम तो धन्य हो गए, ऐसे जितने भी जे लोग हैं जो अभी तक कतरा रहे थे आपको सुन के ना मतलब बहुत ही वे उनको प्रेरणा मिल जाएगी। सही बता रहे हैं मतलब। अच्छा तो मतलब खाना झाड़ू घर के काम का सब कुछ कर रहे हैं। अरे तो अभी तो खैर लॉकडाउन का टाइम है तो हम ज्यादा किचन में घुसे रसोई में घुसे रहते हैं, नहीं तो वैसे रात 2 बजे 2:30 बजे रात को कभी शूटिंग से आते तब भी हम किचन में घुस जाते हैं, अगर खाना बना हुआ रखा तब भी घुस जाते हैं कि खुद बना के खा तो और ज्यादा मजा आता है। अरे वाह 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 ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और हम एक बात और बोले, मतलब हम इतने एक लोगों से बात करते हैं लेकिन आपसे बात करके मतलब जो मजा आ रहा हो ना, क्योंकि का है कि जो मतलब जड़ से जुड़े जो लोग होते हैं ना वैसे ही बातें करते हैं, उनके साथ कनेक्शन ही अलग बनते हुए तो हमें तो मतलब बहुत ही मजा आ रहा है। अच्छा जे नीना गुप्ता जैसी बीवी हो तो मतलब कितनी सुधर जाती है जिंदगी, मतलब 2 गाली दे दें फिर पूरी भी दे दें, मतलब का है क्या परिभाषा का होती है अच्छी बीवी। ये तो वो मंजू देवी है जो गालियां दे दे के पूरी खिलाती है, हैं और 35 साल का उलाहना देती है कि 35 साल से बना रहे हैं तो अच्छे ही बनाएंगे, सीधी हाँ। बात ही नहीं करती तो लेकिन यहाँ दूसरे ही मतलब यहाँ तो उल्टा है, यहाँ खाना तो हम बना रहे हैं तभी वो तो बात ही नहीं है, यहाँ तो हम बना बना झाड़ू भी लगा रहे हैं, हम तो किसी को और कुछ करने भी नहीं देते क्योंकि बहुत दिनों से कोई कसरत नहीं करी थी, अखाड़े नहीं गए थे तो बस यही झाड़ू पोछा करके अखाड़ेबाजी करते रहते हैं बस। मतलब ये हम कहें कि ये जो है सही परिभाषा है बिल्कुल, मतलब हम तो ये कहेंगे। लेकिन एक एक हम सवाल, मतलब हम बड़े ये बात आपने कह दी कि एक काम करते हैं का बना लेते हैं। अरे सब कुछ बना लेते हैं तो हम बिल्कुल वेजिटेरियन हम भी बिल्कुल हाँ लेकिन बना सब कुछ लेते हैं, मटन भी बना लेते हैं, मुर्गा मछली जो कुछ सब बनवा लेकिन दूध बना के और बस दोस्तों यार दोस्तों को खिला देते हैं। हम तो बस हमें तो सबसे बढ़िया करेला लगा था, हम करेला कभी कभी बना लेते हैं, लौकी की सब्जी करेला और वो तुरई क्या कहते हैं उधर गिलकी तुरई बस ये सब तो सब कुछ बना लेते हैं। हम तो पत्थर की सब्जी भी बना लेते हैं। अरे वाह लेकिन बहुत ही मीठे बात करते हैं। अब हमें ये तो पूरा विश्वास हो गया है कि आप जैसे अगर कोई भी जितने भी पति हैं वे आपके जैसे अगर बन जाएं तो दुनिया की सारी दिक्कतें ही सॉल्व हो जाए हैं, चाहे वो मंजू देवी के पति हो कि तो आप खुद ही जैसे हैं वैसे पति हैं। तो शादी को सही से चलाने के हमें कुछ नुस्खे बताओ काहे से और लोग भी समझ जाए। एक नुस्खा ये है कि अपने आप को किसी पे थोपिए मत, किसी के सर पे मत बैठिए, अपना काम खुद ही करिए,
और इज्जत करिए, रिस्पेक्ट करिए। ये नहीं कि आप पति हैं तो आप बड़े हो गए, भगवान हो गए। कोई भगवान भगवान नहीं होते। आप इंसान जमीन पर रहिए तो सीखते चलिए, लोगों की इज्जत करते चलिए, तो वो आपकी इज्जत करेंगे। मैं तो कभी बच्चों से भी तू तड़ाक से बात नहीं करता। बच्चों को भी कहते हैं कि आप, हम अपने बेटे से भी आप कहते हैं कि आप ऐसा कर लो। जब हम उसको आप कहेंगे तभी तो मुझे आप कहेगा। हम अपनी बीवी को भी आप कहेंगे तब वो हमें आप कहेगी। बच्चों को, परिवार को, पड़ोसियों को, सबसे आप करके बात करिए तो वो आपको आप कहेंगे। और आप कह दिया तो बस इज्जत होगी। बहुत बहुत ही सुंदर बात, बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं सर। लेकिन अभी जैसे हम देख रहे हैं, अभी आप प्रधान जी बने हैं, प्रधानपति बने हैं, सही बताएं तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग किरदार आपने निभाए हैं, बहुत हम तो बहुत ही पसंद है। और ज्यादातर उसकी जो पृष्ठभूमि रही है वो अपने जमीन से जुड़े लोग, जो हमारा जो गाँव है उस वैसे कई किरदार हैं, तो उसको और ये प्रधानपति को कितना अलग पाते हैं? बहुत अलग होते हैं सब, क्योंकि जितने भी करेक्टर हमने करे हैं अभी तक, तो सब अलग अलग इसलिए होते हैं क्योंकि सब अलग अलग परिवेश से निकल के आते हैं। जब भी कोई कैरेक्टर करता हूँ तो पहले उसका सब देखता हूँ, वो आया कहाँ से, किस जगह से आए, उसके माँ बाप कैसे होंगे, या नहीं तो थोड़ा सा पता कर लेते हैं। अगर नहीं पता चला तो फिर ढूंढ लेते हैं कि इस तरह के कैरेक्टर जो कभी जिंदगी में, कभी बहुत सारे में, एक तो बहुत बहुत गांव में रहा हूँ मैं, मध्य प्रदेश में भी रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में भी रहा हूँ, इधर बिहार में भी रहा हूँ, राजस्थान में भी रहा हूँ, सब जगह हम थिएटर करते थे, फारसी थिएटर, तो बिल्कुल थे, तो सब जगह चप्पा चप्पा छाना हुआ है। तो ये प्रधान के मैंने हजारों लाखों तरह के प्रधान देखे हैं। अभी तो एक ही प्रधान किया है, अभी बहुत सारी जिंदगी पड़ी हुई है, बहुत सारे जितने अगर प्रधान करने लग जाऊं जितने मेरे दिमाग में है, तो ये जिंदगी छोटी है, दो चार जन्म और लेने पड़ेंगे हमको। क्या बात है, लेकिन हमारा जो जन्म बड़ा धन्य हो गया, ये हम सही बता रहे हैं। लेकिन एक बात हमारे ख्याल में आती है बार बार जब भी आपका जिक्र आता है, कि बहुत लंबे वक्त से आपका जो सफर रहा हुआ है वो बहुत लंबा रहा है, बहुत आपने बहुत वक्त से अलग अलग पिक्चरें की हैं, अलग अलग किरदार किए हैं, 8 फिल्में गई हैं आपकी जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है, बहुत बड़ा सफर रहा हुआ है। ऐसे में संगीत को कहाँ पाते हैं ये जो आपका सफर रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ आपका एक जो सफर चलता है साथ में एक जो संगीत जो है, जो म्यूजिक है, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे कहीं ना कहीं कनेक्शन रहते हुए उसका, तो संगीत का कितना बड़ा रोल आप मानते हैं? सबसे बड़ा रोल है, वो तो जान से भी ज्यादा प्यारा है मुझे। संगीत की वजह से मैं सब कुछ करता हूँ, संगीत की वजह से सांस लेता हूँ, संगीत की वजह से आपके सामने बैठा हुआ हूँ, संगीत की वजह से मुझे लोगों की इज्जत अफजाई करने का मौका मिलता है। संगीत ने ही सारा कुछ सिखाया है, संगीत ही ऐसा लगता है कि ईश्वर के पास जाने के लिए संगीत ही सबसे बड़ा सही रास्ता है। और कोई कैरेक्टर में करता हूँ तो उसमें संगीत आ जाता है, क्यों, संगीत में हर तरह के इमोशंस हैं, हर तरह के भाव हैं, चाहे किसी तरह का भाव आपको करना पड़ जाए और उस भाव में डूबना पड़े, तो अगर आप संगीत का रास्ता पकड़ लेंगे तो बड़े आसानी से मिल जाएगा। और मैं जिस थिएटर में था वहाँ सबसे पहले अहम संगीत था, पारसी थिएटर, वहाँ अगर आपको संगीत नहीं आता तो आप स्टेज पर नहीं खड़े हो सकते। तो भगवान ने थोड़ा सा संगीत मुझे दे दिया था, तो मैं बस उसी की वजह से एक्टर घर से निकला था संगीत सीखने के लिए, और गले पड़ गई एक्टिंग, तो बस एक्टिंग कर रहे हैं। अरे वाह, बहुत बहुत ही सुंदर बात, बहुत ही सुंदर बात। लेकिन ये जो इतेक पूरा जो सफर रहा हुआ है, इसमें आप ना चूज ही रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को लेके, आप चाहते हैं कि ऐसा रहा हुआ कि नहीं, जो भी करे वो अच्छा रहो, क्वालिटी पे रहे, और चूजी आप बहुत रहे, जाको का कारण है? कारण एक है कि हम वही काम करवो चाहते हैं कि जो हमें अच्छा लगे। अगर जो करत वक्त हमें ना अच्छा लगे तो देखने वालों का अच्छा अच्छा लगे, तो सीधे बस एक ही तरीका है कि वही काम करो जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा ना लगे तो दूसरे को अच्छा ना लगे, बस। बहुत ही सही शब्दों में, बहुत ही खूबसूरत बात, सहज और सुंदर बात। अच्छा, एक आखिरी सवाल हम पूछना चाहेंगे कि अच्छा, तो एक लंबो सफर किया,
थिएटर करो, टीवी करो, फिल्में की, और अब जो डिजिटल भी करो, नीना गुप्ता के संग काम करो, जितेन के संग काम करो, तो कैसो एक्सपीरियंस रहा का, मतलब कैसो अलग है? बीच में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि लोग काम करने नहीं दे रहे हैं, या खुद भी नहीं कर रहे, करने भी नहीं दे रहे। ये जो आर्ट में, कल्चर में अगर ये धंधा बिजनेस चला जाता है तो फिर जाहिर है उसकी तो बर्बादी ही है। तो वो बर्बादी से हम बचने शुरू हो गए हैं, क्योंकि वो खूब अच्छी खासी बर्बादी तो हुई है। हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते, सब कुछ ज़्यादातर मामला नकली सा लगता रहता था। और मैं इस तरह के मामले से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि जिस तरह जिस दौर से मैं आया हूँ, जिस गांव से मैं आया हूँ, वहाँ नेचुरल चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ज़मीनी चीज़ें ज़्यादा मुझे पसंद हैं। और म्यूज़िक भी जो 60s के आसपास का जो म्यूज़िक था वो मुझे ज़्यादा पसंद है। अब बाद में तो ऐसे उठा पटक हो गई म्यूज़िक के साथ में कि कोई भी उठ के म्यूज़िक डायरेक्टर बन जाता है, तो ऐसा सब होता रहा। तो उसके बाद इस तरह का काम हुआ है, दूरदर्शन में पहले होता था, जैसे 13-13 एपिसोड होते तो वो आज तक याद करते हैं लोग। मुल्ला नसरुद्दीन हुआ, और भी जो दूसरे और भी थे, मुगेरी लाल गहसीन सपने और भी थे, तो 13-13 एपिसोड थे। तो वो 13 एपिसोड के पीछे बड़ी मेहनत होती थी, बड़ी मशक्कत करते थे। पूरे 13 एपिसोड पहले लिख लिए जाते थे, उसके बाद उस पर रिहर्सल करते थे, उसकी रीडिंग होती थी तो पढ़ते थे, फिर कैरेक्टर पर बात होती थी। तो जब इतना कुछ वक्त मिलता था तो जाहिर है फिर काम में भी मज़ा आता था, और काम करने में भी मज़ा आता था, और क्वालिटी वाइज भी अच्छा बेहतर काम होता था। तो ये फिर से शुरू हुआ, हो गया ये दौर। तो ये है कि हम छोड़ छोड़ के पता नहीं कहाँ भटक जाते हैं, फिर घूम के आ जाते हैं वहीं पे। तो भटक गए थे, घूम के फिर आ गए, सीधी बात ही है। हाँ, बहुत सुंदर बात है जी। हम भी नोटिस कर रहे थे, अभी तक जितने वेब सीरीज आई उसमें शहर वालों की, शहरी की, अर्बन चीजों की बड़ी बात है रही थी, लेकिन जे अब पंचायत जैसी सीरीज भी आई, गांव की बात करती है, और वो भी उतने पसंद की जाती है। इसको मतलब यही है कि लोग जो है वापस अपने जड़ों में ही जाना चाहते हैं, और वहीं उनको अच्छा भी लगता है। एक बात हम बताएं आपको, हमारा जो स्थान है ना वो गाँव में ही बसता है। सही कह रहे, बिल्कुल। वहाँ वहाँ के जो लोग हैं इतने इनोसेंट हैं, इतने उनको कितना भी बरगला दीजिए, घूम फिर के बस वो गांव की ही सोचते हैं। मैं भी लौट लौट के गांव चला जाता हूँ, जब यहाँ शहरों में एनर्जी हमारी ख़त्म हो जाती है। शहरों में तो हम बेचने के लिए आ जाते हैं, सीखने के लिए वहीं मिलता है गांव में, रियाज करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए वहीं ज़्यादा मज़ा आता है। वहाँ एनर्जी करने चला जाता हूँ, इकट्ठी करने, और फिर एनर्जी लेकर वापस यहाँ आ जाता हूँ, फिर खर्च कर देता हूँ, और जैसे खर्च हो जाती, देखा कि अब एनर्जी नहीं बच रही, तो फिर चला जाता हूँ गाँव। अच्छा, हम लालची है रहे हैं, लेकिन मतलब जाते जाते अगर एक गाना नहीं होगा तो चेन्नई का इंटरव्यू अधूरा रखेगा। गुलजार साहब की एक कविता है, वो मैं गा के सुना देता हूँ आपको। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हम बता नहीं सकते हैं कि गुलजार साहब के बोल और साथ में आपकी गायकी ने जो ये जो अद्भुत कॉम्बिनेशन बन गया है, इसने बिल्कुल मतलब दिन बना दो। बहुत तहे दिल से शुक्रिया करेंगे, और बहुत हम धन्य हो गए। और हम तमाम जो लोगों को कहेंगे कि जैसा कि अभी आपने सुना गायकी का, उसमें जो मैसेज भी दिया है कि भैया घर के अंदर रहिए, अभी जूझने की जरूरत नहीं है, और साथ में पंचायत में बहुत ही खूबसूरत रोल निकल के आया है, बहुत सारे रोल हैं, तो इनमें से अभी जो आखिरी
लेटेस्ट जो काम है वो प्रधानपति का है, तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है वो भी जरूर देखें और इस लॉकडाउन में अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने का। थैंक यू शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा जी। तो भैया ऐसा है, जे थे हमारे फेवरेट और तुम सबके फेवरेट रघुबीर यादव, और इनने बहुत अच्छा अच्छा काम किया है, लॉकडाउन में भी अच्छा काम कर रहे हैं। तुम इन दिनों का कर रहे हो जे, हमें जरूर बता दियो, हाँ जे कमेंट सेक्शन में लिख के। हाँ बाकी और वीडियो भी लेकर आएंगे, जरा बता जरूर जो लॉकडाउन कैसे कट रहा है। ठीक है, खूब ख्याल रखियो अपना, चलते हैं, नमस्कार। ABP News आपको रखे आगे।